हाय गाइस, मैं हूं तुहिन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्विस एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो गाइस, मेरा आज का जो वीडियो है ये गाड़ी का सेंटर लॉक के कुछ प्रॉब्लम के ऊपर। तो एक्चुअली ये ग्रैंड टाइटन गाड़ी है और इसमें एक सेंटर लॉक का प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं सेंटर लॉकिंग कर रहा हूँ, तो मेरा देखिए सेंटर लॉक काम कर रहा है, लेकिन मिरर देखिए फोल्ड हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, सेंटर लॉक हो रहा है, लेकिन इसका जो लॉक है देखिए डोर लॉक काम नहीं कर रहा है। देखिए मैं रिमोट दबा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मिरर फोल्ड अनफोल्ड हो रहा है, लेकिन सेंटर लॉक काम नहीं कर रहा है कोई भी। ओके, और एक प्रॉब्लम जो है, मैं डिक्की को ओपन कर रहा हूँ तो डिक्की भी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये है गाड़ी का मेन प्रॉब्लम। तो गाइस, इस तरह का प्रॉब्लम अगर गाड़ी में होता है तो कुछ तीनों चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि इसका जो BCM है, BCM का प्रॉब्लम हो सकता है, जो SJB होता है स्मार्ट जंक्शन बॉक्स, जो यहाँ पे जो फ्यूज़ बॉक्स है ये फ्यूज़ बॉक्स के कारण से हो सकता है। और एक प्रॉब्लम हो सकता है कि इसका जो डोर लैच है इसके प्रॉब्लम से हो सकता है। तो गाइस, इसके लिए मैं पहले इसका जो डोर पैड है, डोर पैड को खोल लेता हूँ। मैं पहले से ही खोल के रखा था। ओके, एक्चुअली मैं पहले ही ये जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके रखा था। तो क्या प्रॉब्लम है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम किस तरीके से मैं चेक किया ये और चेकिंग का प्रोसीड्योर क्या है ये देखा देता हूँ। तो मेनली इसका जो लैच है, लैच का कुछ इशू है कि नहीं ये देखने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। और इसमें जो लैच का चारों तार है, चारों तार में से आप अगर चेकिंग करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक कलर का तार है ये होता है नेगेटिव का, मतलब ग्राउंड जो है ये होता है मेमोरी पावर का जो है, मतलब इसमें हार्ड टाइम पावर रहता है। और ये दोनों जो है ये रिले से आता है, मतलब ये एक्चुएटर का जो मोटर होता है ये मोटर को एक्टिवेट करता है, मोटर का लॉक और अनलॉक का। ओके, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, इसका जो ग्राउंड है ग्राउंड चेक करके लेता हूँ। ओके, अब देखिए मेरा कंटिन्यूटी में है और मैं इसमें ग्राउंड दे रहा हूँ। देखिए ग्राउंड ठीक है मेरा। ओके, अब मैं काम करता हूँ, इसका जो मेमोरी पावर का होता है वो ये है। ओके, और इसको मैं वोल्टेज में दिया। अब देखिए इसमें देखिए 10.63 वोल्ट आ रहा है। ओके, ये भी ठीक है। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये है लॉक एंड अनलॉक का, तो इसमें भी 12 वोल्ट आना चाहिए लॉक अनलॉक करने पे। मतलब मैं रिमोट से अब मैं लॉक अनलॉक करूँगा, तो इसमें देखिए मेरा रिमोट तो काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट तो नहीं आ रहा है। तो मेरा जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम हो सकता है BCM का हो, और ये भी हो सकता है कि इसका जो डोर जो SJB है ये स्मार्ट जंक्शन बॉक्स इसका है। तो यहाँ पे अगर BCM का कुछ प्रॉब्लम होता तो रिमोट में जब लॉक और अनलॉक कर रहा हूँ तो उस टाइम ये मिरर फोल्ड अनफोल्ड नहीं होता, तो मेरा BCM का जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। तो हो सकता है कि इसका कोई तार वायरिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि इसका जो SJB है, SJB का अंदर एक रिले रहता है, ये रिले का प्रॉब्लम है, हो सकता है। तो मैं काम करता हूँ इसके लिए, मैं एक सेम जो SJB होता है SJB एक सेम पार्ट नंबर का मैं लगा के दिखाता हूँ।
मैं पहले से ही लेके आया था। ओके मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके ये गाड़ी का है और मैं ये लेके आया। यहाँ पे सेम है, इसका जो पार्ट नंबर है पार्ट नंबर सेम है। ठीक है हो गया। अब मैं एक बार देखता हूँ। ओके कब्लर लगा दिया हम यहाँ पे, कब्लर भी लगा दिया इसका सेंट्रल लॉक का। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल लॉक मेरा जो काम नहीं कर रहा था, काम कर रहा है लेकिन ये सेंट्रल लॉक तो काम नहीं कर रहा है। अब सेंट्रल लॉक काम करना चालू हो गया और जो डिकी का प्रॉब्लम बोल रहा था, ये देखिए डिकी मेरा ओपन होना चालू हो गया। ठीक है तो वीडियो तो मेरा ये जो सेंट्रल लॉक का यहाँ का जो लैच है, ये लैच की प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। ओके ओपन कर लिया। इसके लिए मैं एक नया लैच भी लेके आया। अब देखिए देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये काम कर रहा है। तो मेरा सेंट्रल लॉक का ये लैच भी खराब है। और मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसका जो पावर के बारे में बता रहा था। मेनली ये पावर के बारे में मैं बता रहा था। तो यहाँ पे जो आने का ज़रूरत था अब आ रहा है कि नहीं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सेंटर लगे हुआ हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा वोल्टेज अभी आ रहा है। तो गाइज मैंने देखा कि इस गाड़ी का जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम एक्चुअली इसका जो लैच है, लैच का है और उसके साथ साथ ये जो एसजेबी होता है ये एसजेबी का है। तो इस गाड़ी में ये दोनों पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने से आपका जो सेंट्रल लॉक का प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो गाइज ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।